अजय कुमार, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार नालंदा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो हम बीएड फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी पेपर थर्ड को पढ़ाएंगे, जो लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी जो है इसका कैसे परिभाषा जो है चेंज हुआ, पहले क्या था, कहाँ से आया, कैसे आया, पहले ये सब्जेक्ट था कि नहीं, सभी चीज़ की चर्चा जो है आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइकोलॉजी जो है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का भिन्न भिन्न समय में इसका अर्थ जो है चेंज हुआ है। जैसे कभी आत्मा, कभी मन, कभी चेतन, ठीक है। लोकस का भी होता है विचार करना या इंटर। तो ये साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लोगस। तो साइकी का भिन्न भिन्न समय में जो अर्थ है उसको वो चेंज हुआ है। अलग अलग समय में आत्मा, मन, चेतन, व्यवहार, ये आदि इसका जो है समय समय पर चेंज होते गया। लोगस का मीन्स होता है विचार करना या अध्ययन करना। तो ये साइकोलॉजी का ये अर्थ है। ये साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी ये पहले कोई विषय पूरा नहीं करता था। ये क्या है, ये फिलॉसफी का, दर्शन का एक चैप्टर हुआ करता था। फिलॉसफी का एक चैप्टर हुआ करता था, एक अध्याय हुआ करता था। लेकिन ये समय चेंज होते गया और ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया। तो सबसे पहले जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आया था वो जब ये फर्स्ट टाइम आया, तब ये क्या था कि ये अभी तक जो है चार रूपों में इसको परिभाषित किया गया है, चार से। तो फर्स्ट स्टेज में ये जो फर्स्ट स्टेज में ये आत्मा के रूप में आया। ये आपका 16वीं शताब्दी में ये क्या हुआ, आत्मा के रूप में आया कि ये जो है साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल के बारे में या स्टडी ऑफ द सोल,
स्टडी ऑफ द सोल के रूप में आया कि ये जो साइकोलॉजी है ये क्या है कि आत्मा का विज्ञान, ये क्या है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान के रूप में आया और ये 16वीं शताब्दी में चलते रहा। पूरा 16वीं शताब्दी में जो है आत्मा का विज्ञान कहलाया साइकोलॉजी। तो इसको बोलने वाले थे वो अरस्तु, अरस्तु, प्लेटो, ये लोग जो है क्या बोले कि ये जो साइकोलॉजी है ये आत्मा का विज्ञान है, ये आत्मा के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। ये आप देखिए कि यहाँ पर अरस्तु है, अरस्तु, अरस्तु के गुरु जो है प्लेटो है, प्लेटो के गुरु है सुकरात, सुकरात और सुकरात के गुरु जो है वो है सोक्रेटिस। ये इस तरह से गुरु के रूप में जाने जाते हैं, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, सुकरात के गुरु सोक्रेटिस, सोक्रेटिस। तो ये अरस्तु और प्लेटो जब आए तो ये बोले थे कि ये जो साइकोलॉजी है ये आत्मा का विज्ञान है। फिर क्या हुआ, ये माने इसका विरोध होने लगा कि आत्मा का विज्ञान ये नहीं हो सकता है, आत्मा का विज्ञान आत्मा का कैसे अध्ययन करेंगे, ये है कहाँ, किस रूप में इसको अध्ययन किया जाएगा। तो ये विरोध होने लगा और ये विरोध होने लगा तो बोले ठीक है ये आत्मा का विज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा। फिर ये विरोध करने के बाद जो है ये आत्मा का विज्ञान नहीं कहलाया। तो इसका जो सेकेंड स्टेज आया वो 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में तो ये आया सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज ये आया मन कि ये जो विज्ञान है इसको मनोविज्ञान बोलते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान। इसको जब जोड़ेंगे तो मन प्लस विज्ञान होगा, यानी मन का विज्ञान, मन के विज्ञान में साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड कहा गया या स्टडी ऑफ माइंड, अरे ये मन का विज्ञान, मन का विज्ञान कहलाया कि ये जो है आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता है, मन का विज्ञान इसको कहा गया है। और ये 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक ये जो है कहा गया। और इसके जो बोलने वाले थे वो लॉक थे, कांट थे, लॉक, कांट, ये लोग जो है इसको बताए कि नहीं ये जो है आत्मा का विज्ञान नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा मन का विज्ञान होगा। और 2 शताब्दी तक ये मन का विज्ञान कहलाया, मन का विज्ञान कहलाया, इसमें जो है मन मस्तिष्क का अध्ययन किया। फिर जो है क्या है इसका भी विरोध होने लगा जब आगे इस पर रिसर्च होते गया तो ये फिर क्या हुआ इसका भी विरोध होने लगा। और ये आ गया आपका तीसरा स्टेज आ गया कि ये मन मस्तिष्क का जो है कैसे अध्ययन किया जाएगा। अभी जो है मन हमारा यहाँ है और अभी तुरंत जो है ये कहाँ चल जाएगा, दिल्ली चल जाएगा, तो इसका अध्ययन कैसे
जिसका मन में कुछ है पुनर्विचित हो जाता है तो इसका अध्ययन नहीं हो सकता। तो इसका अध्ययन जब नहीं हो सकता है तो किसका अध्ययन हो सकता है? तो तीसरा स्टेज आया, थर्ड स्टेज आया और थर्ड स्टेज में कहलाया कि ये मन का विज्ञान नहीं होगा बल्कि ये चेतना का विज्ञान होगा। चेतना का विज्ञान होगा। स्टडी ऑफ कॉन्शियस या साइंस ऑफ कॉन्शियस, चिंतन का विज्ञान कहलाएगा। और ये जो है आपकी 19वीं शताब्दी में ये क्या है कहलाया कि आपका जो है ये ना ही आत्मा का विज्ञान होगा और ना ही जो है मन का विज्ञान होगा, ये होगा तो आपका चिंतन का विज्ञान होगा, चेतना का विज्ञान होगा। क्योंकि ना मन का अध्ययन कर सकते हैं ना आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं, जो चिंतन हम करते हैं उसका अध्ययन हो सकता है। तो इसको विलियम जेम्स ने 1980 में ये क्या है अपने अध्ययन में बताए कि ये जो है चेतना का विज्ञान हो सकता है। और विलियम मून जो है ये 1989 में लिपचिंग विश्वविद्यालय में ये क्या है सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। प्रयोगशाला इसका मनोविज्ञान का प्रयोगशाला जो है सबसे पहले 1989 में विलियम मून ने क्या किए उसको डेवलप किए, उसका विकास किए। और ये दोनों जो है ये बताए कि ये चेतना का विज्ञान। तो ये चेतना का विज्ञान है ये ठीक है, जब मन का नहीं है आत्मा का नहीं है तो चेतना का होगा। लेकिन इसका भी विरोध शुरू हो गया, ये फ्रायड महोदय ने बताए कि ये जो चेतना है ये व्यवहार का एक बटे 10 भाग ही है जो चेतना। चेतना क्या होता है? व्यवहार का 1/10 भाग ही जो है चिंतन होता है, चेतना होता है। इसलिए ये क्या है आपका जो है ये चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन इसको क्लियर भी नहीं किए कि ये आपका व्यवहार का ही विज्ञान होगा। ये जो है इसको नहीं क्लियर कर पाए कि ये आपका जो है कहलाएगा जो है व्यवहार का विज्ञान ही। ये बताए जरूर कि फ्रायड ने बताया कि ये जो है व्यवहार का
भाग रहेगा और व्यवहार ही जो है ये कहलाएगा मनोविज्ञान। तो ऐसा इन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब ये 19वीं शताब्दी आई, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी जो आया, 20वीं शताब्दी आया, ये 1908 में, 1908 में जो है क्या है, मकबूल साहब ने इसको क्या है परिभाषित किए, मकबूल साहब इसको परिभाषित किए सोर्स रोड स्टेज में, और स्टेज में कि ये जो है व्यवहार का विज्ञान। स्टडी ऑफ ये व्यवहार का विज्ञान कहलाएगा। ये आपको जो है परिभाषित किए, और परिभाषित करने के बाद इन्होंने बताया कि आपका जो है क्या है कि जो भी उद्देश्य रहता है, तो कोई भी उद्देश्य की जब पूर्ति हम करते हैं तो उसमें कोई भी प्राणी का क्या होता है, व्यवहार शामिल होता है, और व्यवहार का जो है हम पूर्ण रूपेण से अध्ययन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या है, विलियम मकडुगल साहब, मकडुगल साहब जो है ये बताए कि नहीं, ये जो है इन्होंने परिभाषित करके बताया कि ये जो कहलाएगा आपका कि ये व्यवहार का विज्ञान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है इसका किसी भी उद्देश्य की जो है पूर्ति करने के लिए कोई भी जो प्राणी होता है वो क्या करता है, अपना व्यवहार में नियंत्रण करता है, और वो उसे अच्छी तरह से समझने और समझने में सहायता करता है, इसलिए इसको जो है व्यवहार का विज्ञान कहलाएगा। इसके साथ साथ जो है पिल्सबरी महोदय ने भी बताया कि अत्यधिक संतोषजनक रूप में आपको मानव का जो व्यवहार है वो एक विज्ञान के रूप में कर सकते हैं। अत्यधिक संतोषजनक ये पिल्सबरी महोदय ने जब किया 1911 में। तो इस तरह से क्या है कि जैसे जैसे समय बीतते गया, और उस तरह से क्या है कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का अध्ययन जो है आज आत्मा, आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, चेतना के बाद जो है व्यवहार के रूप में जो है आज परिभाषित किया गया। और ये जो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान में मनुष्य का जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में मैंने पक्षी, जानवर और साथ ही साथ मनुष्य का भी अध्ययन किया जाता है। तो आज हम बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के रूप में चर्चा किए। धन्यवाद।